नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत। 11 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं न्यूज नॉनस्टॉप, जहां एक घंटे में आपको बताते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरें। राहुल गांधी से ईडी ने क्या सवाल पूछे और अब फिर कब होगी राहुल गांधी से पूछताछ। खबर आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की बताएंगे तो बात देश के अगले राष्ट्रपति के नाम पर चल रही सियासी उठापटक की होगी। शहर शहर आके कहर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको देश की 50 बड़ी खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। राहुल गांधी से शुक्रवार को होगी चौथे दौर की पूछताछ। राहुल ने गुरुवार को ईडी से छुट्टी मांगी, आज करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। सूत्र के मुताबिक राहुल पर बड़ी खबर यह कि राहुल ने कई बार अपने जवाब को बदला, राहुल के जवाबों में विरोधाभास है। नवभारत पर ईडी के सवालों की लिस्ट, ईडी ने राहुल से पूछा 89.68 करोड़ एजेल को अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया। तीसरे दिन की पूछताछ में ईडी का राहुल गांधी से सवाल, एजेल ने लोन की रकम क्यों नहीं दिखाई, लोन का जिक्र बैलेंस शीट में क्यों नहीं। दिल्ली में आज कांग्रेस का भी प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। गुवाहाटी में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर किया हमला, एक वरिष्ठ पुलिस अफसर के सर पर मारा। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा गांधी जी से क्यों नहीं सीखती कांग्रेस, गांधी की कांग्रेस से अब की कांग्रेस का संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, अभद्र बयान देकर प्रधानमंत्री की मौत की कामना की, नागपुर में FIR दर्ज। शेख हुसैन के विवादित बयान पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शेख हुसैन के पीएम मोदी पर विवादित बयान पर बोले नाना पटोले, कहा हमारी सरकार जो गलत है उसे गलत मानती है, FIR दर्ज कर पुलिस अपना काम कर रही है। प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बाइकर्स दंगाइयों की तस्वीर पहली बार सामने आई है। प्रयागराज हिंसा पर पुलिस का एक्शन, प्रयागराज हिंसा का नया CCTV फुटेज सामने आया। प्रयागराज में मोहम्मद जावेद के घर मिला आपत्तिजनक पर्चा, पर्चे में लोगों से 10 जून को अटाला पहुंचने के लिए कहा गया। प्रयागराज हिंसा पर बोले SSP अजय कुमार, का मामले में अब तक 29 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। प्रयागराज हिंसा को लेकर पुलिस ने जारी किए 3 मोबाइल नंबर, लोगों से इन नंबर पर उपद्रवियों की जानकारी देने की अपील की। प्रयागराज हिंसा पर समाजवादी पार्टी ने कमीशन को लिखा पत्र, जावेद मोहम्मद के घर को गिराने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात हाशमी को 2 दिन के रिमांड, कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर भेजा। कानपुर में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च, कमिश्नर की अगुवाई में कलेक्टर के साथ पुलिस और RAF के जवान शहर की सड़कों पर निकले। झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास ने रांची हिंसा में NIA जांच की मांग की, हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह विफल रही। कल बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपेगी ज्ञापन, धार्मिक टिप्पणियों और हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। विपक्षी बैठक में शरद पवार के नाम पर विपक्ष सहमत, ममता ने कहा शरद पवार से फिर बात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में 17 पार्टियों के नेता शामिल हुए, आम आदमी पार्टी समेत 3 और पार्टियों का किनारा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर NCP चीफ शरद पवार का बयान, कहा मेरे नाम के सुझाव पर विपक्ष की सराहना। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सूत्रों की खबर, पहले दिन 11 नामांकन पत्र दाखिल हुए, 1 नामांकन पत्र खारिज किया गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे आदित्य ठाकरे, राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आरती की। नवभारत पर बोले आदित्य ठाकरे, का अयोध्या दौरा राजनीति का विषय नहीं है, ज्ञानव्यापी मामले पर बोले अयोध्या में दर्शन और पूजा पाठ के लिए आए हैं। अनुपम खेर ने वाराणसी में कराया मृत कश्मीरी पंडितों का श्राद्ध, आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा देश को आगे बढ़ाने में सब सहयोग करें तभी देश विश्व गुरु बनेगा। जल्दी युवाओं को लगभग 5.38 लाख स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार, 2 महीने में टैबलेट स्मार्टफोन बांटेगी सरकार। लखनऊ में अपर्णा यादव को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज की। गुड़िया तस्करी मामले में TMC विधायक शौकत मुल्ला CBI के सामने पेश हुए, कल रुजिरा बनर्जी से 7 घंटे पूछताछ हुई थी। उत्तराखंड में खोदरी पावर हाउस में लगी आग, टरबाइन जलकर खाक हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मुंबई के अलीबाग में एक थिएटर में लगी भीषण आग, वेल्डिंग का काम करते वक्त चिंगारी से हुआ हादसा। बिहार के कटिहार में लूट का विरोध करने पर मोबाइल चोरों के गिरोह ने महिला पुलिसकर्मी को चलती ट्रेन से फेंका। गिरडी में ATM मशीन उखाड़ कर ले गए अपराधी, घटना के वक्त ATM में कोई कार्ड तैनात नहीं था। जम्मू कश्मीर में टीचर रजनी बाला की हत्या में शामिल थे हिजबुल के 2 आतंकी, कुलगाम में गिरा टीचर रजनी बाला को मारने वाला आतंकी। जम्मू में CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात, चोरों ने 1 हफ्ते में 2 बार की दुकान को निशाना बनाया। जम्मू के अनंतनाग में CRPF के वाहन पर ग्रेनेड अटैक हुआ, 1 पुलिसकर्मी घायल हुआ, इलाके की घेराबंदी। चंडीगढ़ में 7 साल पहले हुई हत्या के मामले में CBI को मिली कामयाबी, 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम द चैलेंज किया अनाउंस, रियलिटी शो में होंगे 456 प्लेयर्स। दलीप साहब के लिए सायरा बानो ने की भारत रत्न की मांग, बोले हिंदुस्तान के कोहिनूर रहे हैं। रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 शिवा का ट्रेलर रिलीज हुआ, फिल्म में दिखेगा VFX का जबरदस्त तड़का।
कमल हसन की फिल्म विक्रम ने वर्ल्ड वाइड कमाए 300 करोड़ रुपए। एक्टर ने कहा कि अब मैं अपने सारे लोन चुका सकता हूं। फिल्म गूमर का फर्स्ट लुक जारी हुआ। सयामी खैर के साथ रोमांस करेंगे अभिषेक बच्चन। 7 जुलाई से ओटीटी पर आएगा शो कॉफी विद करण सीजन 7। करण जौहर ने खुद दी जानकारी। एक बार फिर सोनू सूद बने मसीहा। थाईलैंड में फंसे शख्स के लिए भेजा टिकट। धनुष की आगामी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान। 18 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। जस्टिन बीबर का मजाक उड़ाने पर वीजे एंडी ने मुनव्वर को दिया मुंह तोड़ जवाब। फैंस ने जाहिर की नाराजगी। एक्टर करणवीर सिंह वोरा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। महिला ने लगाया 1.99 करोड़ रुपए ठगी का आरोप।